I completed my studies in SSM college diploma. Then I went for B.Tech in Dehradun. तो फिर वहाँ से वापस आके फिर हमने वहाँ पे भी वर्कआउट किया बहुत सारे जिम्स में, तो थोड़ा सा कंसेप्ट आया इस जिम के रिलेटेड. तो फिर मैं जब यहाँ आया तो मेरे पास दिमाग में ये चीज़ आ कि हमारे पास जगह है, वाई नॉट यूटिलाइज इट. तो फिर मैंने सोचा कि हम इसको यूटिलाइज करेंगे. तो मैंने ये प्लान किया था देहरादून में कि आई विल स्टार्ट अ जिम हियर. यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिटनेस सेंटर या कोई ऐसी चीज़ जिसमें से हम अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर सकते हैं कुछ हद तक, जितना भी एक यूथ से हो सकता है वो हम कोशिश करेंगे कि मतलब वो पहुंचाने के लिए आगे, कि हमारी पुरानी ट्रेंड जो चलती आ रही है, मतलब ओबेसिटी है, जॉइंट प्रॉब्लम्स है, और उसका रीज़न ये था अवेयरनेस नहीं थी, डाइट प्रॉब्लम थी. हमारे यहाँ शाम को कार्बोहाइड्रेट्स इनॉर्मस अमाउंट में लेके खा के सो जाते हैं लोग, जो कि जब यही बंदा फिटनेस सेंटर ज्वाइन करता है ही केम टू नो, पता चल जाता कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना, सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम क्या लेना है और डिनर के टाइम क्या लेना. और अपने आप को फिट करने के लिए आजकल के टाइम में इट्स नॉट इनी डिफिकल्ट टू गेट अ गैप ऑफ एक घंटे की, 45 मिनट्स काफ़ी एक एक्सरसाइज के लिए, एक आदमी के लिए, वो बूढ़े हो बच्चे हो जो भी हो, सबके लिए एक 45 मिनट फिटनेस सेंटर में सर्व करना मतलब दिस इज माई बेस्ट सजेशन टू एवरीवन.